इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन। आइए चलिए बात करते हैं, एक लंबे समय बाद यहाँ पर वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हो रहा है, तो यहाँ पर आज हम लोग जानकारी देने वाले हैं इंदौर से लेकर के मनमाड़ रेलवे लाइन के ऊपर लेटेस्ट न्यूज़ के ऊपर कि यहाँ पर क्या अभी हरकतें चल रही हैं रेलवे के द्वारा। लैंड एक्विजिशन यानी कि भूमि अधिग्रहण से जुड़ी हुई सारी बातें आपको बताने वाले हैं, और इसी के साथ साथ में इस रेलवे लाइन का काम जो है भूमि पर कब देखने को प्राप्त होने वाला है। तो जैसा कि यहाँ पर 2024 के सितंबर महीने में इस रेलवे लाइन को स्वीकृति दी गई थी, और स्वीकृति देने के साथ ही इस रेलवे लाइन को एक स्पेशल रेलवे लाइन परियोजना का दर्जा भी प्राप्त हो गया था। अब इसके साथ साथ अगर ये रेलवे लाइन स्पेशल दर्जे में यहाँ पर आ गई है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि भूमि अधिग्रहण और यहाँ पर जो सरकारी जो काम है, जो अड़चनें होती हैं सरकारी, जो जितनी भी तरीके की जो परमिशंस होती हैं, वो इसमें दिक्कत में नहीं आने वाली हैं। यानी कि लैंड एक्विजिशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथली होने वाला है, और इसी के साथ साथ में सरकारी, चाहे वन विभाग हो चाहे कोई भी विभाग हो, उनकी तरफ से हर तरीके से यहाँ पर इस रेलवे लाइन को सहयोग किया जाएगा। अब बात करें पेपर में, तो इसका काम काफ़ी अच्छी तरीके से पेपर वर्क में आपको देखने को मिलने वाला है कि ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर इस रेलवे लाइन पर होगी, और यहाँ यहाँ से इसको गुजारा गया है, और इसके साथ में इतना मतलब कि इस तारीख से जो इसका काम जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी ज़मीनी हकीकत की बात करें तो वहाँ पर अभी हमको कुछ देखने को प्राप्त नहीं हो रहा है। 304 किलोमीटर लंबाई इस रेलवे लाइन में। अब यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं भूमि अधिग्रहण से जुड़ी हुई सारी बातों का, यानी कि लैंड एक्विजिशन के ऊपर जो क्या अपडेट यहाँ पर निकल के आई है उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें अगर मध्य प्रदेश बॉर्डर के अंतर्गत आने वाले जितने भी ज़िले, चाहे वो धार हो, बड़वानी हो, या खरगोन हो, या इंदौर ज़िला हो, वहाँ पर जो है यहाँ पर भूमि अधिग्रहण का काम काफ़ी ज़्यादा तेज़ गति से देखने को प्राप्त हो रहा है। यानी कि जो है जो भूमि अधिग्रहण का जो काम है उसको जल्द से जल्द यहाँ पर निपटा दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर काम अभी शुरू हो गया है। और उसी के साथ में जो है बड़वानी जिला और धार जिला और इंदौर जिले, इनमें जो है वो काम की रफ्तार काफ़ी अच्छी खासी देखने को प्राप्त हो रही है। वहीं खड़गोन के निबरानी में यहाँ पर जो है यहाँ पर भूमि अधिग्रहण का काम देखने को प्राप्त हो रहा है। वहीं बात करें हम दूसरी ओर महाराष्ट्र बॉर्डर की, तो यहाँ पर धुले और नासिक, ये दोनों जिलों में यहाँ पर जो है एक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी भूमि अधिग्रहण करने के लिए। अभी यहाँ पर काम देखने को प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जो है अधिसूचना जल्दी यहाँ पर जारी कर देगी भारतीय रेलवे और भारतीय सरकार, जिससे जो है जल्द जल्द यहाँ पर जो है लैंड एक्विजिशन की जितनी भी जो प्रक्रिया है उसको निपटा लिया जाए। और इस वर्ष जो है यहाँ पर टारगेट है कि जो भूमि अधिग्रहण का जो काम है वो यहाँ पर अच्छी रफ्तार में शुरू हो जाए, और इसके साथ ही यहाँ पर 2025 जो आने वाला साल है उसमें यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा काम देखने को प्राप्त हो सके। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर जानकारी भूमि अधिग्रहण से जुड़ी हुई, और इसके साथ में अगर कोई काम की शुरुआत होती है या कोई नया अपडेट हमारे सामने आता है, हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर से अपडेट करवाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल से, पल पल की जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।